हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं वनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। हरियाणा न्यूज ने दिखाया सबसे सटीक पोल, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के आसार, बेहतर विश्लेषकों की ग्राउंड रिपोर्ट से हरियाणा न्यूज ने दिखाया था सटीक एग्जिट पोल। हरियाणा न्यूज के एग्जिट पोल में बीजेपी को 35 से 42 सीटें मिलने का अनुमान, वहीं कांग्रेस बड़े उछाल के साथ जीत सकती है 37 से 44 सीटें। हरियाणा न्यूज ने दिखाया था सबसे सटीक ओपिनियन पोल। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर हरियाणा न्यूज सबसे भरोसेमंद चैनल। प्रदेश में चुनाव खत्म होते ही सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई और इसी के साथ सभी की नजर केवल एग्जिट पोल पर, केवल आने वाले आंकड़ों पर। हरियाणा न्यूज ने भी अपना सटीक और सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल जारी किया, जिसके आंकड़े मतदान से पहले दिए गए ओपिनियन पोल से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। हरियाणा न्यूज ने ओपिनियन पोल में प्रदेश में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया और ऐसे ही आंकड़े एग्जिट पोल में सामने आ गए। एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी को 35 से 37 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस के खाते में 37 से 44 सीटें आई। साथ ही एचएलपी को 2 सीटें मिली और जेजेपी 7 से 10 सीटों पर सिमट कर रह गई। बात इनेलो की करें तो इनेलो को केवल एक ही सीट पर संतोष करना पड़ा, वहीं निर्दलीय लड़ रहे प्रत्याशियों को 8 से 10 सीटें दी गई हैं। हरियाणा न्यूज के एग्जिट पोल में बीजेपी के बड़े नेताओं के हार साफ दिखाई दे रही है। आपके सबसे पसंदीदा चैनल हरियाणा न्यूज के ओपिनियन पोल पर अब बाकी चैनलों की भी मुहर लगती दिख रही है। एग्जिट पोल ने हरियाणा न्यूज के ओपिनियन पोल को सही साबित किया, हरियाणा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रही। जिंजर में स्ट्रांग रूम के कैमरे बंद हुए, वहां मौके पर एलईडी बंद मिली। कांग्रेस और जेजेपी प्रत्याशी मौके पर पहुंचे, मौके पर जेजेपी प्रत्याशी से धक्का मुक्की का आरोप। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजर नतीजों पर है। विधानसभा के चुनाव नतीजों का ऐलान 2 दिन बाद यानी 24 अक्टूबर को होगा। मतदान के बाद ईवीएम को पुलिस के जवानों की कड़ी निगरानी में स्ट्रांग रूम में रखा गया है। ईवीएम की सुरक्षा के लिए प्रदेश भर में 59 अलग अलग स्थानों पर 90 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हरियाणा पुलिस के जवान समेत पैरामिलिट्री फोर्स के जवान ईवीएम की सुरक्षा में लगे हुए हैं। किसी भी अनजान शख्स को स्ट्रांग रूम में जाने की इजाजत नहीं है। वहीं पुलिस के जवानों के साथ साथ सभी पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात कर दिया है। हरियाणा में कुछ मतदान केंद्रों पर रीपोलिंग होगी। इनमें प्रतला बेरी, कोसली, उचाना, नारौल में रीपोलिंग होगी। उचाना के करसिंधु गांव के बूथ नंबर 71 पर भी रीपोलिंग होगी। बेरी के बूथ नंबर 161 पर रीपोलिंग होगी। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का सुप्रीमो और गोहाना से सीट से प्रत्याशी राजकुमार सैनी को धमकी भरा फोन आने की खबर सामने आई है। राजकुमार सैनी को फोन पर गोहाना छोड़ देने की धमकी दी जा रही है और बदमाशों की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि अगर गोहाना छोड़कर कहीं नहीं गए तो गोलियों से भून दिया जाएगा। राजकुमार सैनी ने इस मामले की जानकारी डीजीपी और एसपी को दी। राजकुमार सैनी ने गोहाना में अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी पहली बार नहीं आई है और इससे पहले भी उनके कार्यकर्ताओं पर चुनाव अभियान के दौरान हमले हो चुके हैं। पहले भी हमले के दौरान 2 कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं, जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। इस दौरान राजकुमार सैनी ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से सुरक्षा नहीं दी जा रही। विधानसभा चुनाव को लेकर जहां पिछले समय से सभी पार्टियां चुनाव प्रचार को लेकर जुटी हुई थी, वहीं मतदान के बाद सब रिलैक्स मूड में आ गए। कुरुक्षेत्र की थानेसर सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा आज अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आराम फरमाते नजर आए।
हरियाणा न्यूज से बातचीत में अशोक अरोड़ा ने बताया कि थारेसर सीट पर कांग्रेस की जीत पक्की है और 24 अक्टूबर को चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आएंगे। मतदान खत्म होने के बाद प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिलकर सोमवार को मतदान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी कृष्ण हुड्डा गोहाना पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मिलकर मतदान के दौरान बूथ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। इस दौरान कृष्ण हुड्डा ने कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि चुनाव अच्छे से निपट गया और 36 बिरादरी के लोगों ने उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि बड़ौदा के साथ साथ पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की आंधी चली हुई है और वो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल करने वाले हैं। प्रदेश में 90 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। सोमवार को प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। वहीं अब प्रत्याशी अपने समर्थकों से मतदान को लेकर फीडबैक ले रहे हैं और इसी कड़ी में प्रेतला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार नयनपाल रावत ने भी मतदान को लेकर अपने समर्थकों से फीडबैक लिया। इस मौके पर नयनपाल रावत अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। नयनपाल रावत ने कहा कि प्रेतला विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत काफी अच्छा रहा है और मुझे चुनाव आयोग में भरोसा है कि ईवीएम में भी कोई गड़बड़ी नहीं की जाएगी। आज जैसे ही चुनावी समय बीत चुका, सभी नेता अपने रोजाना की भागम भाग से अपने आप में रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हरियाणा न्यूज की टीम महेंद्रगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह के निवास पर पहुंची तो वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर उनसे चुनावी चर्चा करते नजर आए। जब उनसे चुनावी नतीजों के बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें महेंद्रगढ़ की जनता ने अमूल्य प्यार दिया है, जिसके लिए वो जनता का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने चुनाव के परिणाम पर अपनी जीत का शत प्रतिशत अपनी जीत का दावा किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर प्रदेश में कांग्रेस सरकार की वापसी का दावा किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने मौजूदा बीजेपी की सरकार को आड़े हाथों लिया। कुमारी शैलजा ने कहा कि मौजूदा सरकार सभी मुद्दों पर विफल साबित हुई है और प्रदेश में सभी वर्गों के लोग सरकार की नीतियों से परेशान हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनहित में काम करने का सिर्फ वादा किया लेकिन जनता के हित में कोई काम हुआ नहीं। उन्होंने बीजेपी के 75 पार के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि वो चाहते तो 85 पार का नारा भी दे सकते थे लेकिन बीजेपी को यह पता चल चुका है कि प्रदेश की जनता उनको पहचान चुकी है। आदमपुर से बीजेपी नेता संपत सिंह का विवादित बयान सामने आया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें संपत सिंह आदमपुर के बूथ नंबर 61 पर लोगों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि वो अधिकारियों को फोन पर कहते हुए दिख रहे हैं कि आप कुछ ठीक कर सकते हैं तो सही, नहीं तो मेरे आदमी सब ठीक कर देंगे। इस दौरान संपत सिंह फोन पर खूब खून खराबे की धमकी भी दे रहे हैं। बता दें कि यह वायरल वीडियो किसी मतदान केंद्र का बताया जा रहा है, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और संपत सिंह के बीच में झड़प हो गई। पुलिस ने दोनों पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मामले को शांत करवाया। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने संपत सिंह के बयान पर पलटवार किया। बिश्नोई ने कहा कि सावन के अंधे को हमेशा हरा ही हरा नजर आता है। जैसे संपत सिंह खुद कायर हैं वैसे ही वो लोगों को समझते हैं। संपत सिंह ने आदमपुर के लोगों का अपमान किया है लेकिन आदमपुर के लोग बड़े बहादुर लोग हैं, इस तरह की बातों से डरते नहीं। अंबाला शहर के बलदेव नगर इलाके में रविवार की रात एक तेंदुआ आने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को बेहोश कर जंगल में छोड़ा गया। लोगों का कहना है कि तेंदुआ गली में घुसा और भागता हुआ एक कमरे में छिप गया, जिसके बाद लोगों ने कमरे को बंद कर दिया और वन विभाग की टीम ने कमरे की छत को उखाड़कर तेंदुए को काबू में किया। बता दें कि जिस कमरे में तेंदुआ बंद था वहां पर एक गाय बंधी हुई थी लेकिन तेंदुए ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बदमाशों के हौसले इस वक्त प्रदेश में बुलंद नजर आ रहे हैं। ताजा मामला गुहाना पानीपत रोड से सामने आया, जहां गाड़ियों की दुकान में बदमाशों ने दुकानदार और उनके बेटे पर लाठी डंडों के साथ हमला बोल दिया, जिसमें दुकानदार बंसी लाल को सर पर गहरी चोट आई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपियों ने दुकान बंद करने की धमकी भी दी और उसके गले की चेन और गले से लगभग 15,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।
फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज।